कक्षा 9 कक्षा 9 विषय संस्कृत विषय संस्कृत हम सीखेंगे लकार ज्ञान। क्या करेंगे? लकार ज्ञान यानी लकार कैसे बनाते हैं ये जानेंगे। सबसे पहले हम करेंगे लट लकार। लट लकार बनाना सीखेंगे, ठीक है। पहला काम क्या है? लट लकार। लट का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी जो इस समय चल रहा है वो किस में आता है? वर्तमान काल। तो इसके लिए देखिए, आपको लकार याद नहीं, कोई एक सारणी लिख के दे रहा हूँ, उस सारणी को तैयार कर लीजिए। एक वचन, द्विवचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। उसके बाद प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीन पुरुष। इसमें देखिए ती, ता, आधा न और ती, सी, था, था, आमी, आवा, आम। इन शब्दों का इस्तेमाल करके हम लकार बना सकते हैं, यानी ये याद होना जरूरी है। अब मान लीजिए हमसे कह दें पठ धातु, लट लकार लिखत, यानी पठ धातु के लट हमें आता नहीं, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे? वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीन वचन होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीन पुरुष होते हैं। अब पठ धातु का लिखना, तो पहले पठ शब्द 9 स्थानों पे हम सीधा पठ शब्द लिखेंगे और कुछ नहीं। 9 के 9 स्थानों पे क्या कर देंगे? पठ शब्द हम लिख लेंगे, क्योंकि हमें लिखना है पठ का, और पठ का मतलब क्या होता है? पठ, ठीक है। पठ धातु का हमें लिखना है, हमने लिख दिया। अब आता नहीं, ये सारणी याद है। तो इसमें देखिए, प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या दिया है? ती, तो यहाँ जोड़ दो ती। प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या दिया है? तह, तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में आधा न और ती, तो ये बन गया प्रथम पुरुष, पठती, पठता, पठती। मध्यम पुरुष के एक वचन में दिया हुआ सी, सी जोड़ दो। द्विवचन में दिया हुआ था, था जोड़ दो। बहुवचन में दिया हुआ था छोड़ दो, तो बन गया पठसी, पठता, पठत। अब उत्तम पुरुष के एक वचन में दिया आमी, तो आ को सांकेतिक रूप में लिखना है और मी, तो बन गया पठाम। आवह, आ को सांकेतिक रूप में लिखना है व और विषय, पठाव। आम, आ को सांकेतिक रूप में म और विषय, तो क्या बन गया? पठती, पठतः, पठंती, पठसी, पठतः, पठत, पठाम, पठाव, पठाम, ये बन गया। अब उसके बाद मान लीजिए आपको कह दे भू धातु, भू धातु लट लकार लिखत, भू धातु लट लकार लिखत, यानी भू धातु का लट लकार लिखना है, ठीक है। तो पहले आपको लिखना है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीन वचन लिखने हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये लिखना। अब देखिए, लिखा जाता है भू, लेकिन इसका लकार कैसे चलता है? भाव से। कैसे चलता है? भाव से लिखा जाता है भू, लेकिन जब लकार चलता है तो लिखा जाता है भाव। यानी भू के स्थान पे हर जगह हमें क्या लिखना है? भाव। क्या लिखना है? भाव। क्या लिखना है? भाव। यानी 9 स्थानों पे आप भाव शब्द लिखोगे। पहले तो सबसे पहला काम है 9 के 9 स्थानों पे आप भाव शब्द लिखोगे। उसके बाद सारणी का अनुसरण करोगे, ती,
तह आधा ना और ती, ठीक है। सी थह था आमी आवह आमा। तो इस प्रकार से आप सरलता से लकार बना सकते हैं। बस क्या करना होगा, आपको एक सारणी याद होना अति आवश्यक है। यदि ये सारणी याद है तो आप बड़ी सरलता से बना सकते हैं। जैसे कि मान लो गम धातु का दे दे, गम धातु लट लकार लिखा, लट लकार लिखा, यानी गम धातु का लट लकार लिखो। तो ये गम धातु का लट लकार आपको अपने आप जिस प्रकार से मैं बना के बताया हूँ उस प्रकार से आपको अपने आप गम धातु के लट लकार को लिखना है, बना के देखना है। यदि आपको नहीं आएगा तो अगले वीडियो में ये भी बना के बताऊँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।